इतना तेज़ बारिश हुई है ना कि ये देखें पूरा सीढ़ी से जो है उसमें शीशा नहीं लगा हुआ है, तो उस उधर से इतना हवा, तेज़ हवा थी तो पानी मारा है, इधर पूरा बह कर आया है नीचे। और ये मच्छरदानी रखा हुआ था पूरा उड़ करके नीचे फैला हुआ था, सब भीग गया है। और ये देखें कैरम बोर्ड यहाँ पे रखा हुआ था, ये भी साफ़ हो गया। पोछना होगा तो इस सब जो है प्लाई खराब हो जाएगा। बारिश हुई कि काम बढ़ा कर रख दिया। पानी निकल जाएगा ना तो इसको जो है अंदर रखना होगा। आजकल कब बारिश हो जा रही है कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए जो है इसको जो अंदर रखना होगा। हाँ ऊपर क्या हो। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फिर देखिए बारिश हो रही है और बच्चे जो है उसी में नहाना शुरू कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश हो रही है। चलिए यहाँ पे आवाज़ सुनाई नहीं देगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रॉसरी का सामान सब रखा हुआ है, कल शाम में आया था और सब ऐसे ही रखा हुआ है, जगह पे नहीं रख पाई थी, तो ये सब जो है रखना है जगह पे। तो खाना पीना बन चुका है इसलिए अभी कुछ टाइम है तो फटाफट से रख लेती हूँ, नहीं तो सोचती रहूँगी और टाइम निकलता जाएगा। तो इस बार बहुत ज़्यादा नहीं है, पहले का सामान सब बचा हुआ था ना, तो इसलिए जो है इस बार कम आया है। और हस्बैंड का भी कहना था कि मेरे पॉकेट पे थोड़ा सा प्रेशर कम डालना, तो इसलिए जो है कम लिस्ट बनाई थी। तो चलिए काम भी चल गया, शौहर भी खुश, इससे ज़्यादा और क्या होना चाहिए। तो ये सूजी, नमक, सत्तू, चाय पत्ती भी पहले का था, तो ये बड़ा पैक एक ही पैक है। और दाल बिल्कुल ख़त्म हो गया था तो वो ज़रूरी था। वो चीनी आजकल इतना खपत हो रहा है, चीनी शरबत बनाने में बहुत ज़्यादा जा रहा है, डेली शरबत, मिंट का शरबत बन रहा है सत्तू आजकल गर्मी में, तो ये सब ज़रूरी था। आटा भी है तो इसलिए दो पैक ही आटा मंगवाई इस बार। और बस तो चलते हैं फटाफट से रख लेते हैं। ये है टिश्यू पेपर, यहाँ बस यही मिलता है, एक क्वालिटी भी सही नहीं रहता है लेकिन फिर भी काम चलता है। एक बार ऑनलाइन मंगवाई थी, 3 पैक था ऑफ़र में, तो वो मतलब समझिए कि 6 महीने तक चला आराम से। तो ये टिश्यू पेपर है और ये जो है ऐसा मिल रहा है, ऑनलाइन मंगवाई थी वो अच्छा था, बहुत अच्छा था और ऑफ़र में भी था, सस्ते में मतलब मिल गया था। फिनाइल की गोली और ये डिटॉल है, तो इसका एक लिक्विड तैयार करना है जिससे ना छिपकली बिल्कुल भाग जाती है इस लिक्विड से, तो इसका लिक्विड बना करके स्प्रे बॉटल में रखने से जहाँ जहाँ छिपकली रहती है मार दीजिए और भाग जाती है। तो जब बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करूँगी। चलिए फटाफट से ये सब समेटते हैं। तो फ्रेंड्स सब सामान रखा गया है सब जगह पे, बहुत टाइम लग जाता है रखने में। और आज ना वोट देने सुबह चली गई थी तो ये देखें इस वजह से जो है लेट हुआ है, 1 घंटा वहाँ लग गया, काफ़ी मतलब देर हुआ, लाइन लगना पड़ा, बहुत लंबा लाइन नहीं था लेकिन फिर भी था तो लेट हुआ। तो आ करके फटाफट से नाश्ता बनाने लगी, नाश्ता बना नहीं था और छुट्टी का दिन था तो इसलिए लेट भी उठी थी, तो इसीलिए जो है आज काफ़ी लेट हुआ है। और अभी टाइम हो गया है, 1:30 बज गया है, तो बच्चे तो खाना खा रहे हैं, 1:30-2 हो गया है।
तो यहाँ पे खाना चल रहा है और मैं अभी जा रही हूँ नहाने। उन लोगों को लगी थी भूख, तुम लोग खाओ, मैं आती हूँ नहा कर। और गर्मी के मौसम में फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि गर्मी के मौसम में ना बच्चों को या बड़ों को नहाने जाने से पहले ना बच्चे हो या बड़े सबको नींबू दीजिए एक एक टुकड़ा। लास्ट में नहा करके एक जग पानी लीजिए और उसमें नींबू डाल करके और फिर उस पानी से डाल दीजिए। उसके बाद फिर सादा पानी से नहीं नहाना है। तो इससे क्या होता है ना कि आप अभी गर्मी का मौसम है तो किसी किसी का बहुत ज़्यादा पसीना स्मेल करता है और नहीं भी करता हो तो फ्रेश लगता है नींबू डालकर नहा लेने से। तो फ़ायदा यही है कि अगर वैसा किसी के साथ प्रॉब्लम है या फिर बगल में पसीना आने के वजह से जो है स्मेल आता है तो ये नींबू रगड़ लीजिएगा ना तो बहुत ही फ़ायदा होगा। मतलब एक बार रगड़ने से आपका फ़र्क नज़र आएगा, बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाता है। बाथरूम में जाइए तो एक टुकड़ा नींबू जो है याद से लेकर जाइए और बाथरूम से एकदम फ्रेश होकर के निकलिए, गर्मी के लिए ना बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम है और अभी रात का खाना कुलसुम बना रही है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और इसी वजह से कंटिन्यू मेरा व्लॉग भी नहीं हो पाया। तो सुबह वोट देने गई थी, उस वक्त मेरे आने के बाद सर में दर्द शुरू हो गया था। दिन भर तो कम था लेकिन रात होते होते काफ़ी तेज़ हो गया था। तो दवा खाकर मैं लेटी हुई थी और यहाँ पे ये आलू बिरयानी कुलसुम बना रही है। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।